ढाई साल हम पीछे चल रहे हैं अभी की वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में भी सब कुछ पहले जैसा हो गया। तुमने जो किया है मेरे साथ में ना, मैं वो भूल नहीं सकता। हाँ, ये बात तुम भी मत भूलना। अरे दीदी, आप कुछ ले क्यों नहीं रही हैं? और आप किसका वेट करेंगे? अभी का सोचती हूँ, अभी आ जाए तो खाना शुरू करूं। हो गया फिर तो, उसका कोई भरोसा है आने का? पता नहीं कब आएगा, क्या जब तक आप भूखी बैठी रहोगी? लेट आएगा तो खाना शुरू कर दूंगी। आए दादी, ऐसी बच्चा। ये लीजिए बीजी, अभी भी आ गया। रॉबिन, खाना दो बीजी को। Everyone's eating, huh? अच्छा हुआ बेटा, बड़े टाइम पे आया तू, तेरे लिए ही रुकी थी मैं। चल खाना खा ले। दादी मैं एक्चुअली किसी के घर गया था ना, तो खाना मैं वहीं पर खा लिया। वो क्या है, मेरी पसंद का खाना बनाया था। और क्या खाना बनाया था दादी, उंगलियां छोड़कर बाकी सब कुछ चाट गया मैं। किसी के घर पे? अरे बीजी, मुझे तो लगा था ये बाहर खाना खाने गया होगा तो किसी 5-स्टार होटल में खा के आया होगा, पर ये तो कह रहा है किसी के घर में खा के आया है। अरे तहसी, वो घर किसी 5-स्टार से कम नहीं था, और वहाँ के लोग भी। और मजे की बात पता है, सबके सब मेरे फैंस। फैन? हाँ दादी, एक्चुअली कमाल की फैमिली थी, मतलब सारी लेडीज भरी थी फैमिली में। और जो माँ थी ना, क्या खाना बनाया उन्होंने और अपने हाथों से खिलाया। उनकी दादी वो तो एक नंबर की रॉक स्टार थी, कितनी कूल थी वो, मोबाइल गेम्स की चैंपियन। और वो जो बेटी थी ना, एक नंबर की सिद्धि। मेरी फैन थी लेकिन मुझसे ही लड़ रही थी। अभी ऐसी कौन सी फैमिली से मिलके आया बेटा तू, और कौन थे वो लोग, क्या नाम था उनका? नाम, अरे यार सॉरी दासी, उनका नाम और नंबर ही तो नहीं लिया। बट नॉट टू वरी, अगली बार जब मिलूंगा तो दोनों ले लूंगा। चलो दासी, दादी, ताई जी, मैं ऊपर जा रहा हूँ। क्या बहुत खाना खाया ना, अब नींद आ रही है। ठीक है ठीक है बेटा, जा तू सो जा जाके। बाय बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सरला प्रज्ञा दादी और प्रज्ञा के बारे में बात कर रहा है? कहीं ये उसकी फैमिली से तो नहीं मिलकर आ गया? मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, पर ऐसे हुआ नहीं है। अगर ऐसे हुआ होता तो ये सैकड़ों सवाल उनको करता, और वहाँ से जब उसको प्रॉपर जवाब नहीं मिलता ना, तो ये परेशान भी हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ ना, तो देख रही है ना कितना खुश गया है। हा? वो किसी और ही फैमिली को मिलके आया है, यहाँ से अपने पसंद का खाना खा के आया है। हाँ हो सकता है। वाओ, क्या फैमिली थी, नाइस सिंपल एंड फुल ऑफ लाइफ। कितना प्यार, कितना अपनापन था। अरे आधे घंटे में ही लगा जैसे उनसे बहुत पुराना रिश्ता है। आई विश वो फैमिली मुझे बहुत पहले मिली होती। और वो चश्मिश, वो कम बोलती थी पर उसकी आंखें बहुत बोलती थी। कुछ था उन आंखों में, जब भी मुझे देखती थी लगता था जैसे मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? हो ना हो, उसके पास जरूर कोई पावर होगी जिससे वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसे हिप्नोटाइज करना आता होगा। पर ये ठीक नहीं अभी। डूड, यू आर अ रॉक स्टार, तुझे उस लड़की से दूर ही रहना चाहिए। पर एक बात मुझे समझ नहीं है, मुझे उसकी गली में जाकर ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उस जगह को अच्छे से जानता हूं? उनके घर आके ऐसा क्यों लगा जैसे मैं वहां पहले भी जा चुका हूं? मुझे कैसे पता चला कि उनका वॉशरूम कहाँ है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि मैं उन्हें पहले से जानता हूं? कहीं मैं इन्हें पिछले 2.5 सालों में तो नहीं मिला? जो मुझे याद नहीं है, पर वहां जाते ही थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। अरे नहीं यार, अगर ऐसा होता तो दादी और आलिया मुझे जरूर बताते। अरे इतनी स्पेशल फैमिली के बारे में मुझसे कोई क्यों छुपाएगा? मैं काफी टाइम बाद इतने अच्छे लोगों से मिला हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
अबे ज्यादा मत सोच अभी, यू बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। यार मुझे तो आलिया से मिलने जाना था, शिट फोन भी नहीं उठाया उसका, बहुत गुस्से में होगी। अरे क्या बोलूंगा उसे कि मैं कहा था, अरे हाँ कह दूंगा कि मुझे कुछ स्पेशल फैंस मिल गए थे उन्हीं के साथ था। अरे नहीं नहीं, अरे ये कहा तो और गुस्सा करेगी कि मैंने उससे ज्यादा अपने फैंस को इंपॉर्टेंस दी। अरे बोल दूंगा किसी मीटिंग में जाना पड़ा इसलिए नहीं आ पाया। हाँ ये ठीक है ना। ओए पम्मी क्या बात है, बड़ा कमशम खा रही है, डाइटिंग वाइटिंग चल रही है क्या? अरे नहीं, जब से अभी ने आके उस घर के खाने की तारीफ की है ना, मेरा तो ये खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। सच्ची मम्मी जी, आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा? फिर तो ठीक है, मैं ना अब से क्या करूंगी कि वो अभी को बोलूंगी कि ना उस खाने की इतनी तारीफ करे कि आप यहाँ घर का खाना कम खाओगे। और अगर ऐसा हो गया ना मम्मी जी, तो हमारे घर का एक महीने का राशन 2 महीने चलेगा। लो, अब ये महारानी आ गई तो किसी का खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। भाई कहाँ पर? बस अभी आया है, वो अपने रूम में होगा। वो खाना क्यों नहीं खा रहे? आलिया, वो बात ये है कि अभी ना किसी किसी फैन के घर में खाना खाकर आया है, और वो खाना उसे इतना अच्छा लगा, वो इतना खुश था, उस खाने की इतनी तारीफ कर रहा था कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे दामाद अपने ससुराल में खाना खाकर आया। मिताली दादी, वो एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही थी कि अभी बहुत खुश था ना, और वो दामाद जब ससुराल में जाते हैं तो उसके लिए तरह तरह के पकवान बनते हैं, स्वादिष्ट खाना बनता है, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जाम्पल दे रही थी या नमक मिर्च लगा रही थी? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी के घर किसी फैमिली के साथ खाना खा के आया। मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा कुक हम रख ले जो सिर्फ और सिर्फ अभी के पसंद का खाना ही बनाए। दीदी ऐसा क्यों लग रहा है, इसके दिमाग में कुछ और है और ये कुछ कुछ और रही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। भाई कहां थे आप? भाई कहां थे आप? अरे आलिया तुम कब आई? मेरी छोड़िए और आप अपनी बताइए कि आप कब आई। मैं थोड़ी देर पहले। ओह रियली? तो तब से लेकर अब तक आप कहीं और ही थे। कब से लेकर कब तक? यू डोंट इवन रिमेम्बर। मैंने आपको फोन किया था मेरे साथ पार्टी ज्वाइन इन करने के लिए। यू वर सपोज्ड टू ज्वाइन और आप आए नहीं, और आप उल्टा सीधा घर चले आए। ओह शाइट, सॉरी मैं भूल गया। मेरे How could you? मैंने कितनी बार आपको फोन लगाया लेकिन आपने एक बार भी फोन में नहीं उठाया। I'm sorry. वो क्या है ना कि मीटिंग में अटक गया था और फिर meeting? अब ऐसी कौन सी मीटिंग हो गई जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता? मीटिंग नहीं, एक्चुअली मैं किसी से मिल रहा था, वहां पर वक्त लग गया और मैं फोन को देखना भूल गया। How could you be so careless? I just fail to understand this. आपने कहा था कि आप मुझे मिलने उस पार्टी में आ रहे हो। मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को बोला था कि मेरा भाई रॉकस्टार अभिषेक प्रेम मेरा मिलने आ रहा है, लेकिन आप तो सॉरी। Hey, बस अगर तुम चाहो तो मेरा वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेज सकते हो, मैं उस वीडियो में भी सॉरी बोलूंगा। या फिर एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे, तुम अपने दोस्तों को बुलाओ, मैं वहीं पर सबसे मिलूंगा। हाउ इज दैट? बात की बाद में देखेंगे भाई, आज की बात करते। जब आपने बोला था कि आप मुझे पार्टी में मिलने आ रहे हो तो आप क्यों नहीं आए? यू इवन रियलाइज कि मुझे कितना एंबैरस होना पड़ा वहां पर सबके सामने। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे बहुत बोलती है ना आलिया कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है, और आप भी बोलते हैं ना कि आपके लिए मेरी खुशी से ज्यादा कोई चीज मायने नहीं रखती है, तो फिर आप क्यों नहीं आए भाई? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आलिया तुम इतनी ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो? ये पहली बार थोड़ी ना है जब मैं बोलकर नहीं आया हूँ। हाइपर क्यों हो रही हो तुम? क्या तुम्हारे दोस्त मुझसे बढ़कर है? हाँ? मेरा वो मतलब नहीं था भाई। मैं ये कह फॉरगेट
आप सही बोल रहे हैं, मैं ही हाइपर हो रही थी। आई एम वेरी 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 सॉरी। I'm sorry. But भाई, What? आज आपकी रिकॉर्डिंग कैसी रही? मुझे सब कुछ बताओ कि आज आपने क्या क्या किया। I'm very interested. Well, आज का दिन काफी अच्छा था। Day was okay, पर शाम को तो मैंने बहुत मजा किया। Really had a good time. बहुत टाइम बाद I let my head down. Really? Yes. अब क्या करूं? कैसे पूछूं उस फोटो के बारे में? भाई, can I ask you for a favor, please? Of course. आपका फोन मिलेगा मुझे? क्या है ना, मेरा फोन गाड़ी में रह गया and I just need to send a text to my friends. उसमें फेवर कैसा? Of course you can have my phone, लेकिन फोन है कहाँ? फोन कहाँ है? There you go. Thank you so much. Anytime. इसमें तो कोई फोटो नहीं है, लगता है भाई ने डिलीट कर दी होगी। अब क्या करूं, कैसे पूछूं? हो गया। हाय, आपने मुझे बताया नहीं है कि आज आपने किया। यू नो, आप इतने खुश हैं, आप कुछ तो स्पेशल किया होगा, किसी यू नो किसी स्पेशल से मिले अपनी बहन को डिच करके। अरे कोई स्पेशल वेशल नहीं, एक्चुअली एक फैन मिली थी। फैन? कौन सी फैन है? कोई बहुत बड़ी फैन, फैन नंबर वन। और मजे की बात यह है कि सिर्फ वही नहीं, उसकी पूरी फैमिली मेरी फैन है। फैन नंबर वन किसी का नाम थोड़ी ना होता है। आई एम श्योर उसका कोई नाम तो होगा, राइट? नाम तो होगा ही, पर याद नहीं आ रहा। प्रीति? नहीं, प्रीति नहीं। पायल? नहीं। प्रज्ञा? हाँ। याद है, निकिता नाम है उसका। निकिता? या निकिता? निकिता। थैंक गॉड। थैंक गॉड किस लिए? फोन को कुछ नहीं हुआ नीचे करने के बाद, और आपको नाम भी याद आ गया इसलिए। एंड वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड, दादी कहती है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। थैंक गॉड। वैसे सच बताओ तो मैंने एक घर में इतने सारे फैंस कभी नहीं देखे, पर वो निकिता जो है ना, उसकी बात ही अलग है। हाँ, obviously ना भाई, अब आप सबसे अलग है तो आपकी फैन भी सबसे अलग होगी। Of course, सबसे बड़े रॉकस्टार का सबसे बड़ा फैन, true fan. चलो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई प्रज्ञा के साथ नहीं थे, but still I need to be sure. कल म्यूजिक कंपनी के ऑफिस जाकर भी चेक करना होगा। ए आलिया, अब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सोने आ रहा हूँ, कल सुबह मिलते हैं, ओके? यस सर, गुड नाइट भाई। गुड नाइट भाई। ओहो, ये लंच बॉक्स का कवर भी इतना गंदा हो रखा था ना, देख मैंने साफ कर दिया। एक काम करना जानकी, तू ना इसमें खाना भर के बाहर रख दे, वरना प्रज्ञा ना ले जाना ही भूल जाएगी। प्रज्ञा का लंच बॉक्स? हाँ। पेंजी, उसके तो पैर में मोच आई है, आप उसे ऑफिस भेज रहे हो। मैं कौन सा भेजना चाहती हूँ, लेकिन वो मानेगी कहाँ? वैसे भी कह रही है इतने दिन कम हुए ना नौकरी ज्वाइन करे हुए, तो इसलिए उसे जाना जरूरी है। हाँ तो फिर बीजी को बोलो ना, वो उनको जाने से रोक सकती है ऑफिस। मैंने बीजी को ही भेजा है उसके पास, भगवान करे बीजी की बात मान जाए। ओ सरला, तू फिक्र ही ना कर, मैंने उसे डांट के बैठा दिया है और साफ कह दिया है कि खबरदार जी, लंगड़ाती भी दफ्तर गई तो। शुक्र है भगवान, किसी की बात तो मानी। अरे ये तो होना ही था, जब आपकी नहीं चलती इनके सामने तो फिर वो तो आपकी बेटी है। अरे हाँ, उसके दफ्तर में कोई वो मैनेजर है ना लड़की, क्या नाम है, सायरा? हाँ सायरा। उसको तो फोन करके कह दे कि हमारी लड़की नहीं आएगी। ठीक है बीजी। अरे जल्दी कर, ऐसा ना हो कहीं उनका ही फोन आ जाए। हाँ, पहले हाँ मिला रही हूँ बीजी, एक सेकंड रुको तो सही। बेल जा रही है। हेलो हेलो,
हाँ हाँ वो आपकी रिसेप्शनिस्ट है ना, नई प्रज्ञा, प्रज्ञा अरोड़ा, उसकी माँ बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। वो क्या है ना, कल ऑफिस से आते समय ना उसके पाँव में मोच आ गई। सूजन अभी तक बहुत ज्यादा है, दर्द भी हो रहा है, इसलिए आज वो ऑफिस नहीं आ पाएगी। लेकिन आंटी वो ऐसे लीव नहीं ले सकती है, उसने अभी अभी तो ज्वाइन की है। ऑफिस में इतना सारा काम है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती, उसे आना ही होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके लिए गाड़ी भिजवा देती हूँ। अरे अगर आप कार भेज दोगे तो क्या हमारी बच्ची अपना दर्द भूल के कार में बैठ के ऑफिस आ जाएगी? उसकी सूजन तो कम नहीं होगी, उसका दर्द तो कम नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, आजकल किसी को किसी से हमदर्दी रह ही नहीं गई। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आपको चोट लगी होती तो क्या आप इस हालत में ऑफिस जाती? अरे कैसे बोल दिया आपने, इतने दर्द में बच्ची ऑफिस जाएगी? कुछ तो हमदर्दी की होती, कम से कम इतना ही पूछ लेती कि कितनी चोट है, डॉक्टर के पास ले गए कि नहीं, कुछ दवा खाई? नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि ऑफिस में बहुत काम है, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज। आप प्रज्ञा को कहेंगे आराम करे और पूरी तरह ठीक होने पे ही ऑफिस आए। ठीक है, कह दूं। ओके आंटी। अच्छा नमस्ते। गुड मॉर्निंग। तेरा आप आ गए? अरे मैं कहाँ आया हूँ, अभी तो मेरी खबर आई। पानी सर। चलिए रिकॉर्डिंग रूम रेडी। वो जश्मिश नहीं है? जश्मिश? ये तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट। ओ वो सर, वो नहीं आई, उसे चोट लगी है तो। आप आओ पे पता है? पता है तो पूछा क्यों? कुछ कहा तुमने? नो सर। अब ऐसी खड़ी मत रहो, मैं अपने रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, आई नीड माय कॉफी। सर कल वाली कॉफी वो तो सर रिसेप्शनिस्ट ने बनाई थी ना, वो मैं कैसे बना सकती हूँ? आई रियली डोंट नो, मुझे जब तक कल वाली कॉफी नहीं मिलेगी मैं रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करूंगा। यू गेट दैट? कल वाली कॉफी वो तो, ओह गॉड, अब कल वाली कॉफी कहाँ से लाऊं? अगर कॉफी नहीं मिली तो सर पता नहीं क्या हंगामा करेंगे। इसीलिए कह रही थी प्रज्ञा की मम्मी को कि उसका आना बहुत जरूरी है, बट वो तो मुझ पे ही चिल्लाने लग गई, अब क्या करूं? हाँ इसको बंद करना। बीजी एक मिनट कर, और तुम्हारी बात। अच्छा बोल। सारी रात मुझे नींद नहीं आई, वो अभी का आना मेरे दिमाग में घूमता रहा, इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरा दिल कर रहा था हे भगवान जल्दी से उसकी याददाश्त वापस कर दे। बीजी सच बताऊं तो एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ याद है, वही भोलापन, वही मुस्कान, वही खुल मिल के रहना, ऐसा लग रहा था कि काश ऐसा हो जाए कि उसे सब कुछ याद आ जाए, हम भी याद आ जाए। तू चिंता ना कर, ऐसा ही होगा। तुझे पता है अभी का यहाँ आना भगवान की तरफ से इशारा था कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है, सब यादाश्त वापस आ जाए। ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? पीछे मुझे लगता है इसे पता चल गया कि अभी यहाँ हमारे घर आया था। अभी इसको कैसे बताएगा, अभी को तो खुद ही याद नहीं। लेकिन बीजी फिर ये यहाँ क्यों आएगी? हेलो आंटी जी। हेलो दादी, कैसी हैं आप? यहाँ क्यों आई हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं, पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा चलो Might as well. आपके घर आप लोगों से एक बार मिल लेती हूँ और देख लूँ कि आप लोग कैसे जी रहे हैं। हम जिंदा हैं और बहुत इज्जत से जी रहे हैं और खुश भी थे, लेकिन लगता है किसी की बुरी नजर लग गई तेरी पर। एक बात सुन ले आलिया, मुझे बुरी नजर को उतार के बाहर फेंकना बहुत अच्छे से आता है। इससे पहले कि पूरे मोहल्ले के सामने बुलाकर मैं तेरी बेइज्जती करूँ तो दफा हो जाए यहाँ से। दादी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आंटी जी समझाइए इन्हें कि घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? और तो और मैं तो आपकी रिलेटिव, सॉरी आई मीन एक्स रिलेटिव। तू कोई मेहमान नहीं है हमारे लिए, अजनबी है, और अजनबी लोगों को घर में नहीं घुसाते, उन्हें घर से बाहर फेंकते। हाँ लिया बीजी बिल्कुल ठीक कह रही है, ना तुम्हारे साथ कभी हमारा कोई रिश्ता था ना है और ना ही रहेगा। I must say,
आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कमाल, मुझे तो लगा था कि भाई की ये याददाश्त खोने का जो सदमा है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन एक महीने के अंदर ही आप लोगों ने सब कुछ इतनी अच्छे से समझ लिया। गुड जॉब आई मस्ट से। वैसे एक बात तो बताइए कि इस पूरे सदमे को सिर्फ आप दोनों ने ही अच्छे से समझाया या फिर आपने अपनी बेटी को भी समझाया? उसे कुछ समझ में आया है या नहीं? क्योंकि क्या है ना, उसे बहुत घमंड है इन सब चीजों का। मेरा प्यार, मेरा सुहाग, मेरा कुमकुम और ये सब कुछ। वैसे वो है कहाँ, नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है वो, और अच्छा है तुम्हारे सामने नहीं आ रही, ताकि तुम्हारी बुरी नजर उस पर ना पड़े। तुम्हें क्या लगा है कि वो अभी भी दुख में होगी? और तुम्हें मतलब भी क्या है कि वो खुश है कि दुखी? उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। ओ, नई जिंदगी की शुरुआत। वैसे आंटी जी, ये नई जिंदगी की शुरुआत कैसी चल रही है उनकी, मतलब और किस एंगल में? मतलब वो आपके घर में कुछ काम वगैरह करवा रही है या बाहर कोई जॉब मिल गई है प्रज्ञा जी को? तुझसे मतलब? तू तो भगवान का शुक्र कर कि तू उसके सामने नहीं पड़ी, नहीं तो तुझे वो सबक वो सिखाती कि तू याद रखती। दादी, आपकी एज के लिए इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। उफ, समझाइए ना आंटी जी ने। इसे एक बात तो बताइए कि आप मुझे डरा रही हैं या फिर कुछ छुपा रही हैं?